इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे जो गेट बी एग्जाम को लेकर के हैं सी एस आई आर जे आर एफ डी बी टी जे आर एफ जैसे आप बैट के नाम से भी जानते हैं आई सी एम आर जे आर एफ आई आर एस बहुत सारे पी एच डी के एंट्रेंस में और एमएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे गेट बी जिसे हम लोग जे एन यू सैप के नाम से भी जानते हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हम इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस पर जा रहे हैं और यह है पार्ट फोर क्वेश्चन नंबर फाइव टू थ्री द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड्स इन प्लांट ड्राइव ऑयल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देखिए साहब इसे हम लोग टीएम भी बोल सकते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द फैटी एसिड्स हम जानते हैं कि कुछ तेल जैसी चीज़ें लिक्विड होती हैं रूम टेम्परेचर पर कुछ सॉलिड देसी घी मक्खन को ले लीजिए यहां भी फैटी एसिड्स अवेलेबल हैं और यह सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर लेकिन जब मैं सरसों के तेल की बात करता हूं तो वो लिक्विड होता है गोले का तेल ठंड में जम जाता है तो अब अलग अलग तेल में जो प्रॉपर्टी है मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा या कम यह किस बेस पर डिपेंड करता है ऑप्शन नंबर वन है लेंथ एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन चैन तो देखिए कितने ज्यादा डबल बोन्ड लगे हुए हैं और कितनी लंबाई है इस पर डिपेंड करता है जितने लंबे हाइड्रोकार्बन की चैन होगी उतने ही ज्यादा वह कॉम्पैक्टली पैक होंगे और उनको डिजोल्व करना मुश्किल होगा ली अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड जितना ज्यादा होगा टीएम उतना कम होगा तो ऑप्शन की आई डी टू जीरो अब दूसरा है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ओनली केवल डबल बॉन्ड कितने हैं उसमें पर फर्क पड़ता है ऐसा नहीं है दोनों प्रॉपर्टी चाहिए होती है लैंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चैन ओनली ऐसा भी नहीं है नंबर ऑफ साइड एंड ब्रांच चैन जर्नली साइड और ब्रांच चैन होती भी नहीं है फैटी एसिड्स के अंदर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू जीरो एट नाइन अब अगर मैं मैमब्रेन की बात कर रहा होता कि मैमब्रेन के फिलुडिटी पे क्या असर पड़ता है तो भाई उसमें एक नाम हो रहा जाता वो है कोलेस्ट्रोल का कंटेंट तब हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रोल ये तीन प्रोपर्टी हैं जो मैमब्रेन के मेल्टिंग पॉइंट पर असर डालेंगे एनिवे anyway, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है टू जीरो एट नाइन क्वेश्चन नंबर फाइव वन फाइव मैच करना है आइटम लिस्ट वन को लिस्ट सेकेंड के साथ में अब लिस्ट वन में टाइप ऑफ वैक्सीन दे रखे हैं और टू की प्रॉपर्टीज दे रखी हैं जैसे कि सबसे पहले हम टॉक्सोइड वैक्सीन को ले लेते हैं जैसे टेटनस का कभी आपने इंजेक्शन लगवाया हो ये टॉक्सोइड वैक्सीन है टेटनस के टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर देते हैं इस तरीके से कि वो इम्यूनोजेनिक तो रहे लेकिन एंटीजेनिक या पैथोजेनिक ना रहे मतलब एंटीबॉडी उसे पहचान सकते हो इम्यून सिस्टम पहचान सकता हो इसे बोलते हैं इम्यूनोजेनिक लेकिन ये इंफेक्शन ना कर पाए इसे बोलते हैं उसकी पैथोजेसिटी तो टॉक्सोइड इसकी इन्फेक्शन करने की एबिलिटी खत्म हो होगी नुकसान करने की लेकिन इम्यून सिस्टम इसे अभी बचानेगा तो अब इसके बेस पर हम चेक कर लेते हैं बेस्ड ऑन द पॉइजनस प्रोटीन मेड बाय पैथोजन तो वैक्सीन का आंसर है डीका वन अब डीका वन यहां पर एक में ही है हम चाहें तो इसको यहीं पर करेक्ट कर सकते हैं टू जीरो सिक्स जीरो लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का बेस्ड ऑन द किल्ड और अल्टर डिजीज कोजिंग जम्स तो जिसमें जो पैथोजन है हमने उसे मार दिया है उसकी डेड बॉडी को इस्तेमाल कर रहे हैं वैक्सीन के रूप में करेक्ट है लाइव वेटिनेटेड के अंदर नो डाउट ऑर्गेनिजम जिंदा रहेगा लेकिन बीमारी करने की क्षमता नहीं रखेगा अगेन वही इम्यूनोजेनिक तो होगा लेकिन पैथोजेनिक नहीं होगा तो ए बी का है थर्ड और बी का थर्ड है बेस्ड ऑन द वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन और फिर लास्ट में है कंजुगेट वैक्सीन सी और सी का है फोर बेस्ड ऑन द कंबिनेशन ऑफ द वीक एंटीजन कोट ऑफ पैथोजन एंड स्ट्रॉन्ग कैरियर प्रोटीन तो आमतौर पर इसमें हम लोग कोई इम्यूनोजेनिक प्रोटीन लेते हैं अलग से जैसे कि से पाया जाने वाला एक प्रोटीन और फिर उसके साथ में हम लोग जो पॉजिटिव एजेंट है उसके किसी पीस को लगा देते हैं किसी सब यूनिट को और फिर तब उसे बोलते हैं हम लोग कंजुगेट वैक्सीन वहां पे इम्यूनोजेनोसिटी बढ़ाने के लिए हम इम्यूनोजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है टू जीरो सिक्स जीरो अब क्वेश्चन ये भी तो है कि कोविड नाइनटीन का जो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती हैं आप इनमें से कौन सी कैटेगरी का इस्तेमाल करोगे कोवैक्सीन के लिए क्या कोविशील्ड के लिए क्या खैर अगर आपको जो भी इसका आंसर लगता हो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन है फाइव थ्री फाइव सेल साइकिल चेक पॉइंट को लेकर के वन द सेल द जी वन चेक पॉइंट एंड एंटर द एस फेज देखिए सेल में डिफरेंट फेजिस की बात करते हैं जी वन एस जी टू और फिर बाद में एम फेस एम फेस में सेल का डिवीजन होता है जी वन में सेल की ग्रोथ एस में डीएनए का रेप्लीकेशन और जी टू में जस्ट डिवीजन से पहले की सारी तैयारी तो पहला जो चेक पॉइंट है वो जी वन में ही है कि सेल रेडी है रेप्लीकेट करने के लिए या नहीं रॉ मटेरियल बन गया है या नहीं जो पेरेंट डीएनए का मोलिक्यूल है वो सही सलामत है या नहीं और जब वो एस फेस में एंटर कर गया तो डीएनए का मोलिक्यूल एप्लीकेट करने लगा उसके बाद उसे जी टू तक में एंटर करने में कोई दिक्कत नहीं है वहां पे चेक किया जाता है कि भाई डीएनए जो रेप्लीकेट हो गया है वो ठीक है या नहीं है सेल डिवाइड करने के लिए रेडी है या नहीं लेकिन फिर जी टू से एम में एंटर करने के लिए एक चेक पॉइंट हो रहा है ये चेक करने के लिए कि क्या सेल वाकई में रेडी है टाइम डिवाइड करने के लिए और फिर लास्ट चेक पॉइंट आता है एनाफेस और मेटाफेस के बीच में तो इसी को लेकर क्वेश्चन था द सेल साइकिल इज कंप्लीटेड बाय पासिंग द एम फेज ऐसा नहीं है नेक्स्ट चेक पॉइंट जी टू में अवेलेबल है द सेल साइकिल इज कंप्लीटेड बाय पासिंग द जी टू चेक पॉइंट जी टू चेक प्वाइंट को बाईपास नहीं करेगा ये तो डिपेंड करेगा कि भाई चीजें ठीक है या नहीं कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल विल डिपेंड ऑन जी टू चेक पॉइंट यह बिल्कुल ठीक है कि जी टू चेक प्वाइंट अगर अलाउ करेगा तब सेल साइकिल आगे बढ़ेगी तो क्वेश्चन की करेक्ट आईडी है टू वन थ्री नाइन द सेल विल नेक्स्ट एंटर एम फेस बाईपासिंग द जी टू चेक पॉइंट ऐसा भी नहीं है बाईपास नहीं कर सकता किसी भी चेक पॉइंट को तो क्वेश्चन नंबर फाइव थ्री फाइव के लिए करेक्ट आंसर है टू वन थ्री नाइन क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब साइक्लिन डिपेंडेंट का हम सीडी के कहते हैं ऑप्शन दिया गया है पहला सीडी के इज ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिन तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है साइक्लिन के बिना ये होता है साइक्लिन मिलने पर एक्टिव आता जाता है इसलिए इसे बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन पर डिपेंड हो काम करने वाला एंजाइम तो साइक्लिन अगर मिल गया तो एक्टिव हो जाएगा ऑन हो जाएगा इसलिए फॉल्स सीडी के इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल साइकिल प्रेजेंट रहते हैं साइक्लिन बनते बिगड़ते रहते हैं और साइक्लिन की ही मात्रा कंट्रोल करती है कि दूसरे प्रोटीन के ऊपर ए टीपी से लेकर के चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो तो सी और बी ये ऑप्शन ठीक है मेरे बी एंड सी ओनली आई डी है टू वन थ्री फाइव क्वेश्चन की आईडी है 519 मैच करना है मुझे लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ में तो लिस्ट वन में एंजाइम्स के नाम है और लिस्ट टू में देखिए कुछ उनके मेटल आयंस हैं जो कोफेट्रस के रूप में काम आते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है डीएनए पॉलीमरेज है नाइट्रोटेज है और यूरियज है जबकि सामने है मोलिपडा निकल मैग्नीशियम कॉपर अब याद रखिएगा जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है इसको मैग्नीशियम चाहिए होता है यानी कि बी का तीन अब बी का तीन मेरे पास यहां तीन ऑप्शन में अवेलेबल है नाइट्रेट रोडक्टेज इसको मोलिपडाना चाहिए और मोलिपडानम के लिए इसे सी का वन तो सी का वन मेरे पास इस एक ऑप्शन में अवेलेबल है आंसर तो मुझे भी यही मिल गया आगे भी चेक कर लेते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व होता है तो इसे कॉपर चाहिएगा आयरन या कॉपर इनकी आवश्यकता होती है इनको तो ए का फोर इसमें ए का फोर भी मुझे देखने को मिल रहा है और फिर लास्ट में आया यूरियज यूरियस के लिए निकल चाहिए डी का सेकेंड तो आंसर सही बैठ गया मेरा टू जीरो सेवन फोर क्वेश्चन नंबर फाइव वन नाइन के लिए जब भी आप बायोकेमिस्ट्री में कोई भी पाथवे पढ़ रहे होते हो और कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के नाम पढ़ोगे तो उन एंजाइम्स को क्या चाहिए क्या उसका कोफैक्टर है ये जरूर पढ़ लेना कई जगह पर आप पाओगे कि फेरसल्फर एक क्लस्टर चाहिए होते हैं जैसे टीसी साइकिल मैकोनिटीज नाम का एंजाइम तो ये बड़ी हेल्प करते हैं और इंडिड एग्जाम में भी ये बातें पूछने का टारगेट रहता है एग्जामिनर का क्वेश्चन नंबर फोर नाइनटी फाइव फ्रेगमेंट मैच्युरेशन हम जानते हैं कि डीएनएकेशन में दो स्टैंड पर एक पर कंटिन्यूस होता है और एक पर डिस हम ओकाजा की फ्रेगमेंट बोलते हैं प्राइमर रिमूव करने के बाद में इनको बंद करना जरूरी है अब पूछा गया है कि सील कौन करेगा निक को निक का मतलब होता है जब केवल एक बॉन्ड मिसिंग हो तो मान लीजिए कि अगर आपके पास ये डीएनए का मोलिक्यूल और केवल इस जगह पर एक जगह पर बॉन्ड नहीं लगा हुआ है तो इस निक को क्लोज करने के लिए जनजाइम माता उसका नाम है डीएनए लाइगेज डीएनए हेलीकेज नो डाउट आपके स्टैंड को सेपरेट करता है दोनों विजय काम करेगा टोपाइजो मरेज जब कभी डीएनए में स्ट्रेस डेवलप होगा तो स्टैंड कट करके स्ट्रेस को रिलीज करेगा सुपर कॉलिंग और डीएनए पॉलीमरेज तो मेन रेप्लीकेटिंग एंसर में यह क्वेश्चन असल में रेप्लीकेशन फोर्क को लेकर के ही आया था तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर है one, nine, seven, seven. कैन बी रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन भाई देखिए इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए पैलेंट्रोमिक सीक्वेंस जो आप इधर से पढ़ रहे हो वही आप उल्टा पढ़ोगे और यही सबसे पहचाना है साथ में सिमिट्री भी हमें देखने को मिलती है अब देखिए हम यहां से पढ़ रहे हैं ए ए जी 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 लेकिन यहां मुझे ए ए देखने को नहीं मिल रहा सेम ऐसे ही मैं यहां भी देख पा रहा मैं यहां देख रहा हूं तो मुझे मिल रहा है जी जी सी सी जी जी सी सी तो ये है पैलेंट्रॉमिक सिक्वेंस नेक्स्ट वाली सिक्वेंस पेराटोमिक नहीं है तो जो आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप सेकंड के लिए होती हैं टारगेट साइट्स उनकी तीन प्रॉपर्टी हैं आमतौर पर चार छ या आठ बेस पर लंबी होती हैं जैसे कि यहां चार की दिखाई गई थी दूसरा उनमें सिमिट्री देखने को मिलती है मतलब जैसे अगर मैं सीक्वेंस को बराबर लिख दूं जी जी सी 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 जी जी, जी डबल बेस पे करके तो बीच में अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो जो पार्ट इधर है वही पार्ट इधर है इसे बोलते हम सिमिट्री और दूसरी बात यह है कि सीक्वेंस पैलेंड्रोमिक होनी चाहिए एक स्टैंड पर जो मुझे रीड कर रहे हैं फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम दूसरे स्टैंड पर भी वही सिक्वेंस देखने को मिल रही है तो इस प्रिंसिपल के बेस पर क्वेश्चन की आईडी 1987 वन नाइन एट सेवन है करेक्ट आंसर फोर नाइन सेवन के लिए